हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो उस स्टडी में हम स्टडी को हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। कोई भी पॉपुलेशन है उस पर इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसमें हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। और फैक्टर मतलब जो पॉपुलेशन का एज पे इफ़ेक्ट करता है, उसका डेंसिटी पे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे और पॉपुलेशन का साइज पे इफ़ेक्ट डालता हो, उसमें वो किस में हम लोग पढ़ते हैं, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब है हमारा पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज क्या होता है, इन अ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन साइज इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज मतलब क्या होता है, कोई भी पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, उसे हम लोग पॉपुलेशन साइज कहते हैं। फैक्टर डेट गवर्न द पॉपुलेशन साइज, फैक्टर जो कि पॉपुलेशन साइज को गवर्न करते हैं, जैसे बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, इमिग्रेशन हो गया, एमिग्रेशन हो गया। अब है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, डिस्पर्सन पैटर्न है, डेमोग्राफिक है, सर्वाइवरशिप कर्व है और पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। अब है क्या, नेटिलिटी। नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट। तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ द टोटल लाइव बर्थ टू द टोटल पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब कितना बर्थ हो रहा है और कितना टोटल पॉपुलेशन क्या है, उसका रेशियो निकालेंगे इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वहीं पे मोर्टेलिटी मतलब क्या, डेथ रेट, ये भी वैसे ही निकलेगा, रेशियो कर देंगे कितना डेथ हुआ है टू द टोटल पॉपुलेशन। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मूविंग इन टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पॉपुलेशन, मतलब कोई पॉपुलेशन है और उसमें बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो उसे हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं। और एमिग्रेशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी पॉपुलेशन से उसमें से ऑर्गेनिज्म बाहर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग एमिग्रेशन कहते हैं। अब है क्या, फैक्टर डेट इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज, वैसा फैक्टर जो कि पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करता है, तो वो है नेटिलिटी और इमिग्रेशन। नेटिलिटी मतलब क्या, बर्थ रेट, और इमिग्रेशन मतलब क्या है, देखिए कोई भी पॉपुलेशन में बाहर से जब ऑर्गेनिज्म आते हैं। और फैक्टर रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन साइज, वैसा फैक्टर जो कि पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करे, तो वो हो गया डेथ रेट, जिसमें एग्जांपल में हम लोग प्रीडेशन पढ़ते हैं, और एमिग्रेशन जहाँ पे पॉपुलेशन से कोई भी इंडिविजुअल बाहर चला जाता है। अब है क्या, पॉपुलेशन चेंज, मतलब पॉपुलेशन में चेंज हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। देखिए ये है हमारा पॉपुलेशन साइज, नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट है, और ये है एमिग्रेशन, ये है मोर्टेलिटी, और यहाँ पे इमिग्रेशन। पैरामीटर डेट इफेक्ट द साइज और डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि ये पॉपुलेशन का साइज को इफेक्ट करते हैं, वो सब पैरामीटर दिया हुआ है, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। प्लस साइन मतलब क्या है, कि ये पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब है क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या है, कोई भी एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है, उसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इट इज़ यूजली शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, उसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो पॉपुलेशन बाई एरिया, डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन बाई एरिया, ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी था। अब है क्या, कि पॉपुलेशन को हम, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो दो मेथड है, टोटल काउंट मेथड और सैम्पलिंग मेथड। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला है टोटल काउंट मेथड, ये डायरेक्ट होता है, मतलब क्या, डायरेक्ट हम लोग पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। ये मेथड जो है वो बस कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए ही होता है,
ब्रीडिंग कॉलोनी कैन बी फोटोग्राफ्ड देन लेटर काउंटेड, मतलब ब्रीडिंग कॉलोनी वैसा पॉपुलेशन जो कि ब्रीड कर सकता है, मतलब जो अभी यंग एज में है, ठीक है, उसको फोटोग्राफ लिया जाता है और फिर उसको काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल में ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस ट्री इन अ गिवन एरिया, ये है हमारा टोटल काउंट मेथड। अब है हमारा सैम्पलिंग मेथड, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स नेचुरल अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग मेथड किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है और उसका नेचर में कितना अबंडेंस है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। ये दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्लॉट बेस्ड है और कैप्चर बेस्ड मेथड है। तो पहला क्या है, क्वाड्रेंट सैम्पलिंग मेथड, इसको प्लॉट बेस्ड भी बोला जाता है। ये प्लांट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये कैसे निकाला जाता है, तो टोटल पॉपुलेशन जो है इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ पर क्वाड्रेंट इनटू टोटल एरिया बाय एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। अब चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है पीटरसन मार्क रिकैप्चर मेथड। ये मार्क रिकैप्चर मेथड पीटरसन ने दिया था, इसीलिए इसके नाम, ये मेथड के आगे पीटरसन का भी नाम दिया जाता है। जैसे क्या है, तो कैच सेवरल एनिमल्स, सर्वे वन में हम लोग क्या किए कि पहले जो है बहुत सारे एनिमल को लिए, सब में टैग लगा दिए, टैग कुछ भी हो सकता है, फिर उस पॉपुलेशन में वापस भेज दिए। सर्वे वन में हम लोगों ने क्या किया कि एक कोई पॉपुलेशन है उसमें से हम लोग ढेर सारे एनिमल को लिए, ठीक है, उसमें जितने भी एनिमल कैप्चर हुए उसको मार्क कर दिए, ठीक है। जब मार्क कर दिए तो उसको फिर वापस उस पॉपुलेशन में हम लोग भेज दिए। सर्वे टू में क्या हुआ कि हम लोग फिर से एनिमल को कैप्चर किए उसी पॉपुलेशन से, तो उसको हम लोग आर ले लेते हैं, और जो भी हम लोग पॉपुलेशन कैप्चर किए उसमें फिर जो हम लोग पहले जो मार्क्ड ऑर्गेनिज्म किए थे वो कितने हैं, तो उसे हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब फिर उसको हम लोग फिर से मार्क करके फिर से उस पॉपुलेशन में भेज देंगे, तो उससे हम लोग ये पता लगा लेंगे कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये देखिए डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये है हमारा पॉपुलेशन। सर्वे वन में हम लोगों ने क्या किया कि पॉपुलेशन को, मतलब को कितने नंबर, मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को लिया, जैसे मान लीजिए 12 लिए, ठीक है, 12 एनिमल को कैप्चर किया, 12 एनिमल को कैप्चर करके उसमें मार्क कर दिया और वापस यही पॉपुलेशन में छोड़ दिया, ठीक है। ये रेड जो है, मतलब क्या ये क्या होता है, ये रेड क्या बता रहे हैं कि हम लोग उसको मार्क कर दिए, फिर वापस से उस पॉपुलेशन में छोड़ दिए। फिर हम लोगों ने सर्वे टू में फिर से, मतलब क्या, बहुत एनिमल को कैप्चर किया, लगभग 15, और 15 में से क्या है कि 14 जो है वो मार्क्ड है, मतलब पहले जो हम लोग पॉपुलेशन में जो भी मार्क करके छोड़ा था वो है। अब है क्या, नोट दैट द प्रोपोर्शन मार्क्ड इन द पॉपुलेशन इक्वल द प्रोपोर्शन मार्क्ड इन द सेकेंड सैंपल, ठीक है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। तो एम हम लोगों ने बता दिया, पहले क्या, एम जो भी पहले सर्वे में हम लोगों ने मार्क्ड किया बाय एन, मतलब पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू एम स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब क्या, जो कि हम लोगों ने सेकेंड सर्वे में जो कैप्चर किया उसमें कितने मार्क्ड निकले हैं, बाय आर, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड सर्वे, ठीक है। तो हम लोग को पॉपुलेशन साइज निकालना है, तो एन इज इक्वल टू एम आर बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एम हम लोगों ने 12 लिया था, आर जो है वो 15 था और स्मॉल एम 4 था, तो एन आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोगों ने, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोगों ने लिया था वो सब डाल दिए, जैसे n इज इक्वल टू m जो था वो 12 था, 12 डाल दिया, इंटू r जो सेकेंड कैप सर्वे में जो हम लोग पॉपुलेशन का साइज जो देखे थे वो 15 था, बाई स्मॉल m मतलब कितना मार्क्ड है वो बाई कर दिए, तो उसमें हम लोग का n इज इक्वल टू 43 आ गया। ये एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉपुलेशन डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel.